हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देसी इंजीनियरिंग। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो बनाने का ये मकसद है कि जो एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग का जो एक पिट है उसके स्लैब का वीडियो ये है। सेम जैसे आप देख रहे हैं, जैसे स्लैब बना हुआ है ऐसे इसमें राफ्ट किया गया है और उसके बाद साइड से वाल है 400 mm थिकनेस की। उसके बीच में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे बीम दिया हुआ 600x400 का बीम है। 600 डेप्थ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शटरिंग में हमने ऑफसेट करके डाला है। इसका जो लंबाई चौड़ाई है वो 13m 800x8m 800 का लंबाई चौड़ाई है। यहाँ पे दो सर्कुलर कॉलम दिए आप देख सकते हैं, अंदर में सर्कुलर कॉलम में जो रिंग दिया हुआ है वो 200 mm सेंटर टू सेंटर। यहाँ एक सर्कुलर कॉलम है, यहाँ एक सर्कुलर कॉलम है। उसके बाद वहाँ से एक बीम गई है, उसके बाद ये बीम एक गई है, दो बीम बीच में है अलॉन्ग विड्थ और एक वाल से बगल में एक बीम है वहाँ पे, और उसका एक सेंटर वाला बीम है और एक वहाँ बीम है। टोटल यहाँ पे अलॉन्ग लेंथ 3 बीम दिया गया है। इसका जो देखेंगे सरिया यहाँ से आया है, जो दो सरिया दिख रही है ना, ये सरिया वाल से होते हुए राफ्ट में गया हुआ है, सी टाइप का सलिया है। उसके बाद ये उसके पास में पूरा ये सलिया टॉप स्लैब में डाला हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक वाल में जाता है, पूरा ये उसके अंदर चला जाता है। इस तरह से ये दिया गया, सारी सलिया यहाँ पे जो है नीचे ऊपर सारी 16mm की है और जो वाल का बाइंडर दिया गया है वो 12mm का है। इसे शेयर के लिए लिंक बार डाले गए। देखिए इसमें ये लिंक बार का स्पेसिंग 250x250 दिया गया है और 10mm का लिंक बार है। राफ्ट में देखेंगे तो 12mm का लिंक बार होता है, इसमें 10mm का लिंक बार है। इस तरह से ये सलिया बांधा हुआ है। तो लिंक बार को यहाँ से हम लोग मोड़ देते हैं और इसमें मुड़ेगा, इसमें भी इसमें काम बाकी, इसमें काम चल रहा है। तो ऊपर में जो ये स्टील का स्पेसिंग है 250mm है, नीचे में भी 250mm है इस वाली का। बीम में नीचे 4 सलिया हैं, ऊपर 4 सलिया है, 8 सलिया है 16। और ये वाल भी देखिए कितना हेवी स्टील है, आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा हेवी स्टील इसमें, सब सलिया ही सलिया दिख रहा है पूरा। कवर इसमें 50mm, जहाँ पे कंक्रीट फेस है जहाँ पे अर्थ हुआ 75mm का कवर है। इस तरह से ये पूरा स्लैब बनाया गया है। बहुत दिन हुए तो मैंने वीडियो नहीं बनाया। और ये पूरे शटरिंग बोर्ड लगा है, 16 फीट की हाइट ऊपर में भरी जा रही है, आप देख सकते हैं। अब ये फाइनल स्टेज नहीं है, अभी इसमें बहुत सारा काम बाकी है। कुछ सलिया को बेंड करना है, कुछ को हल्का हल्का कट करना है, एक्स्ट्रा लिंक बार को मोड़ना है, क्लीनिंग बैलेंस है उसको करना है। पर पेड़ पौधे रहते हैं तो पेड़ों में से पत्ते गिरते तो उसको साफ़ करना है, कवर ब्लॉक कहीं मिस है तो उसको लगाना है, हर चीज़ भी बाकी है। वहाँ पे जो ओपनिंग आप देख रहे हैं 600x600 इनलेट ओपनिंग है और इसके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसको फायर ब्रिगेड की दो गाड़ियाँ जो कि बहुत हेवी लोड रहता है उसके ऊपर, उसकी स्टैंडिंग के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके लिए इतना हेवी स्टील डाला गया है, वहाँ से ओपनिंग है। इसके बीच में जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी यहाँ पे एक कॉलम पे, ये दोनों कॉलम सर्कुलर कॉलम के बीच में यहाँ सेंटर में नीचे में एक 400mm का पाइप डाला हुआ है, जो कि अभी मैं वीडियो में आपको बताऊँगा। वो पाइप के बगल में फ़िल्टर मीडिया डाला है, उसके ऊपर मैं एक दूसरी वीडियो बनाऊँगा। वहाँ से पानी अंदर जाने के ग्राउंड में जाने के लिए क्या है उन्होंने किया गया है, फ़िल्टर मीडिया एग्रीगेट कैसे कैसे डाला है, राफ्ट में कैसे ओपनिंग की, वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा।